नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। यहाँ हम और हमारी कुशल टीम आपको अवगत कराते हैं हर नई ज्योतिष गतिविधियों के बारे में एवं पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रो मित्रम को, जिससे हमसे पहुँचने वाली हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। ग्रहों को नैसर्गिक ग्रह विचार रूप से शुभ और अशुभ श्रेणी में विभाजित किया गया है। बृहस्पति, शुक्र, पक्ष बली चंद्रमा और शुभ प्रभावी बुध शुभ ग्रह माने गए हैं और शनि, मंगल, राहु और केतु अशुभ माने गए हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है और उसे क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। बुध, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति क्रमशः उत्तरोत्तर शुभकारी हैं, जबकि सूर्य, मंगल, शनि और राहु अधिकाधिक अशुभ फलदायी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार कुंडली के द्वादश भावों में षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव अशुभ त्रिक भाव हैं, जिनमें अष्टम भाव सबसे अशुभ है। षष्ठ से षष्ठ एकादश भाव तथा अष्टम से अष्टम तृतीय भाव कुछ कम अशुभ माने गए हैं। अष्टम से द्वादश सप्तम भाव और तृतीय से द्वादश द्वितीय भाव को मारक भाव और भावेशों को मार्केश कहा गया है। केंद्र के स्वामी निष्फल होते हैं, परंतु त्रिकोणेश सदैव शुभ होते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र के साथ ही 3, 6 या 11 भाव का स्वामी होकर अशुभ फलदायी होते हैं। ऐसी स्थिति में अशुभ ग्रह सामान्य फल देते हैं। अधिकांश शुभ बलवान ग्रहों की 1, 2, 4, 5, 7, 9 और 10 भाव में स्थिति जातक को भाग्यशाली बनाते हैं। 2 और 12 भाव में स्थित ग्रह अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं। शुभ ग्रह वक्री होकर अधिक शुभ और अशुभ ग्रह अधिक बुरा फल देते हैं। राहु व केतु यदि किसी भाव में अकेले हों तो उस भावेश का फल देते हैं, परंतु वह केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित होकर त्रिकोण या केंद्र के स्वामी से युति करें तो योग कारक जैसा शुभ फल देते हैं। लग्न कुंडली में उच्च ग्रह शुभ फल देते हैं और नवांश कुंडली में भी उसी राशि में होने पर वर्गोत्तम होकर उत्तम फल देते हैं। बलि ग्रह शुभ भाव में स्थित होकर अधिक शुभ फल देते हैं। पक्ष बलहीन चंद्रमा मंगल की राशियों विशेषकर वृश्चिक राशि में नीच होकर अधिक पापी हो जाता है। चंद्रमा के पक्ष बली होने पर उसकी अशुभता में कमी आती है। स्थान बलहीन ग्रह और पक्ष बलहीन चंद्रमा अच्छा फल नहीं देते। एस्ट्रो मित्रम की अगली कड़ी में आपको बताएंगे कारक ग्रह के निर्धारण की विधि। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।